हाथ का हुनर न शिक्षा का गुलाम रहता है और न ही दौलत का। ऐसे ही बुलंद हौसलों और पारंपरिक हस्तकला में दक्ष फैशन डिजाइनर बाड़मेर की बेटी रूमा देवी की कहानी है। बाड़मेर की झुग्गी झोंपड़ी से शुरू हुआ रूमा देवी का सफर नारी शक्ति अवार्ड, कौन बनेगा करोड़पति से लेकर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक जा चुका है। राजस्थानी वेशभूषा और संस्कृति की एम्बेसडर बनकर रूमा देश दुनिया में इसके रंगों को बिखेर रही हैं। दोस्तों, अगर आप भी हैं रूमा देवी के फैन या जानना चाहते हैं रूमा देवी के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां पर आपको मिलने वाली है रूमा देवी के बारे में संपूर्ण जानकारी। रूमा देवी का जन्म 1988 में बाड़मेर जिले के रावतसर गांव में एक गरीब किसान जाट परिवार में हुआ था। जब रूमा देवी महज 4 वर्ष की थी, तब इनकी माताजी का देहांत हो गया। इनके 7 बहनें हैं तथा इनके पिताजी ने माताजी का देहांत हुआ तो दूसरी शादी कर ली। तब रूमा देवी को अपने चाचा के यहाँ भेज दिया गया। इनके पिता का नाम खेताराम और माता का नाम इमरती था। रूमा देवी ने 8वीं क्लास तक अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इनकी पढ़ाई बंद करवा दी गई, क्योंकि स्कूल काफी दूर हुआ करता था और पहनने के लिए चप्पल ना होने के कारण ये आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। रूमा देवी की दादी माँ कसीदाकारी का काम किया करती थी, इसी वजह से रूमा देवी भी इनके पास कसीदाकारी के काम को अच्छी तरीके से सीख गई थी। यह कसीदाकारी का काम करने के साथ साथ अपने घर में कामों में भी हाथ बढ़ा दिया करती थी। बाड़मेर में पानी की काफी ज्यादा किल्लत होने के कारण इन्हें 10 किलोमीटर दूर तक जाकर बैलगाड़ी से पानी लाना पड़ता था। रूमा देवी की शादी 17 वर्ष की उम्र में कर दी गई और इसके ठीक 2 साल बाद में उनकी एक संतान हुई। उस संतान ने 48 घंटे के भीतर ही दम तोड़ दिया, क्योंकि इलाज करवाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, जिस कारण से वे अपने उस कमजोर बच्चे का इलाज नहीं करवा पाई। यहीं से रूमा देवी के जीवन में एक नया मोड़ आया, क्योंकि जब उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो अंदर तक झकझोर जाती हैं। इस वजह से इन्होंने सोच लिया कि अब वह चूल्हे सौके तक अपनी जिंदगी को सीमित नहीं रखेगी, बल्कि 2 पैसे कमाने के लिए और भी काम करेगी। रूमा देवी के एक बेटा है जिसका नाम लक्षित है, जो कि 5वीं क्लास में पढ़ता है। रूमा देवी के बच्चे की जब मृत्यु हुई, तब उन्होंने कुछ करने की ठान ली थी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। तब उनको याद आया कि उन्होंने बचपन में अपनी दादी माँ के साथ कसीदाकारी सीखी थी, तो इन्होंने अपने इसी काम को आगे बढ़ाने की ठानी और मार्केट से कुछ मटेरियल खरीद लिया और बैग्स वगैरह बनाकर आसपास की दुकानों पर सप्लाई कर दिया करती थी। धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स की मार्केट में काफी डिमांड बढ़ गई थी। शुरुआत में इन्होंने 10 महिलाओं के समूह के साथ दीप देवल महिला सहायता समूह का गठन किया, लेकिन शुरुआत में इनके पास पैसे की कमी होने की वजह से इन्होंने किसी से पैसे उधार भी लिए थे। दोस्तों, ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में आगे इनकी कहानी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी रूमा जी की तरह खुद का घर बैठे बिना पैसे लगाए बिजनेस शुरू कर सकते हैं और ढेर सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी रूमा जी की तरह घर बैठे कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार जानकारी। फ्रेंड्स, एक ऐप है जिस पर लेडीज से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिनको बस आप फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने मार्जिन के साथ आसानी से बिना कोई पैसा लगाए बेच सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अलावा कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, जिससे आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरा रेफर कोड भी डाल देना, जिससे आपको अलग से बेनिफिट और ढेर सारे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए आप फेसबुक पे व्हाट्सएप कुर्ती या बाय एंड सेल ऐसा कुछ भी लिखकर सर्च करेंगे तो वहाँ आपको इससे रिलेटेड ग्रुप्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको उन ग्रुप्स में ऐड हो जाना है, फिर वहाँ से मेंबर्स को अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करना रहेगा। इसके लिए सिंपली आप 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सारे कॉन्टैक्ट्स सेव कर लेंगे और अपना खुद का ग्रुप क्रिएट करके सेटिंग में ओनली एडमिन कर देंगे, ताकि कोई और उसमें मैसेज ना कर सके आपके अलावा। अब वापस इस एप्लीकेशन पे आकर अच्छे से प्रोडक्ट्स को शेयर करेंगे और उस पर डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेंगे, फिर ग्रुप में पोस्ट करके अच्छी सी एडिटिंग करके अपना मार्जिन 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक रख देंगे।
तो ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। इन ऑर्डर्स को कस्टमर के द्वारा बताए एड्रेस पे आपको इसी एप्लीकेशन में मेंशन करना रहेगा। प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी एप्लीकेशन की ही रहेगी। इसी ऐप में आपको अपना बैंक डिटेल भरना रहेगा। जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर होगा आपको आपका पैसा सीधे खाते में मिल जाएगा। अगर कस्टमर को पसंद नहीं आता है या साइज कलर चेंज करवाना है तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो है ना शानदार, बिना पैसा लगाए रोज एक दो घंटे काम करके आप भी 20 से 30 हजार रुपए। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जब रूमा देवी का काम बढ़िया चलने लगा तो इन्होंने ग्रामीण विकास चेतना संस्थान को अपने काम से कुछ सैंपल भेजे तो उस संस्थान को ये काम बहुत ही पसंद आया। शुरुआत में 10 महिलाओं के साथ शुरू किया गया ये कार्य आज बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले की 30,000 महिलाओं के साथ पहुंच गया है। एक समय भारत देश में हस्तकला क्षेत्र में बाड़मेर की कोई विशेष पहचान नहीं थी, लेकिन रूमा देवी ने अपने अथक प्रयास से न सिर्फ भारत देश बल्कि विश्व में कई फैशन शोज से अपने देश का नाम रोशन किया है। रूमा देवी के जयपुर में हुए मेगा शो को 112 देशों में लाइव दिखाया गया और देश विदेश से बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए थे। इसी बीच रूमा देवी को जर्मनी के टेक्सटाइल शो में भी जाने का मौका मिला। वहाँ के विदेशी डिजाइनर रूमा देवी के कार्य को देख कर अचंभित हो गए थे। आज न सिर्फ रूमा देवी बल्कि इनके साथ जुड़े और भी लोग अपने हुनर को विश्व पटल पर रंग बिरंगे धागों से बिखेर रहे हैं। रूमा देवी देश विदेश में कई कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर से लेकर कौन बनेगा करोड़पति शो में भी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के साथ इन्होंने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ स्टेज शेयर किया था। हाल ही में यूएई में आयोजित एक कार्यक्रम में इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में इनको सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों रेतीले दौरों के बीच बनी झोपड़ियों से जीवन आरंभ करने वाली रूमा आज कई देशों की यात्राओं पर जा चुकी हैं, परंतु अपनी पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति को इन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।